हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर वालों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। और किस डेट से इसकी चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है, साथ ही साथ वीडियो डीबी कब से शुरू होगी, एपीयू की परीक्षा तिथि घोषित की जा चुकी है कि कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन दे रखी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट डेट से लेकर ढेर सारी अपडेट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि हमारे चैनल को द्वारा जितने भी वैकेंसी की अपडेट्स होती है वो सबसे पहले दी जाती है, साथ ही साथ जो अपकमिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए क्रैश कोर्स चालू किए जाते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जो न्यू UP SSC का आपका वो आया है, मैं दिखा देता हूं आपको। जो न्यू प्रगति रिपोर्ट आई है, इसमें आप ये कॉलम नंबर 3 को देखिए, इसमें लास्ट में दे रखा प्रस्तावित कार्य, आयोग स्तर पे कोई भी कार्रवाई शेष नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ही वीडियो को मैं नेक्स्ट चीज पे ले जाता हूँ। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने ट्यूबवेल ऑपरेटर एंड वीडियो के ग्रुप में। 4 ऐसे ग्रुप बने हैं, लगभग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये कई सारे आइडियो मेरे पास में आए, लेकिन ये आइडियो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, किसी के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है। एक बार प्लीज इस आइडियो को जरूर सुने। हेलो, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, ये पूछना चाहते हैं, मेरा भाई है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। दो महीने का नियर अबाउट टाइम हो गया, बट अभी तक आगे पहुंचे। ये पहले तो यानी 2 महीने टाइम नहीं हुआ, 15 दिसंबर को हम ले आए थे आयु से जाके रजिस्ट्रेशन लिखे हुए, ठीक है ना। हम लोग आए थे, अभी तो 2 महीने नहीं हुआ। दूसरी चीज, 2 महीने और 1 महीने क्राइटेरिया, लेकिन मेन चीज इसमें ऑनलाइन जो है उन लोगों से चॉइस करवानी है, उसी के काम हो रहा है। और हो सकता है यहाँ से मौना घर बैठे ऑनलाइन चॉइस भरेंगे। अब वो मैंने 10 फरवरी के आस पास एक एक्सपेक्टिवेट डेट बताया हुआ था, पहले कई लोगों ने बोला था। इस नंबर से भी आपने नहीं, ये लग रहा है कि निकाल आई होगी आपकी आयु से, तो 10 तारीख के आस पास पूछे क्या होता है। प्रयास यही है घर बैठे ऑनलाइन चॉइस भरे। सर, 10 तक ओपन हो जाएगा या उसके बाद भी कोई नहीं? संभावना लग रही है 10 तक हम लोग इस स्थिति में आ जाएंगे। ये रिलेशन की वेबसाइट में पेपर के माध्यम से लड़कों मौन से देखिए क्या बुला के यहाँ, जैसे कई लोग चार यहाँ बुलाया जाएगा तो जरूरी नहीं कि डेट में क्यों, लड़के बाहर के भी बहुत है, राजस्थान के, बिहार के, तमाम लड़के बाहर बाहर से। तो पहले यह था कि यदि ऑफलाइन करेंगे बुला के यहाँ चॉइस लेंगे तो कई लोग हो नहीं आए, कोई बीमार है कुछ। प्रयास यही हो रहा है कि घर बैठे 10 दिन का जो भी समय मिले उसमें अपना करिए। हमें लगता ओपन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ये सूचना हो सकती है कि भाई ये वेबसाइट है, ये है। ये मैं आशा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी 10 तारीख हो ही जाए, लेकिन मेरी आशा है कि 10 तारीख तक पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो सर, ज्वाइनिंग अप्रैल तक ही आएगी, उसके बाद जाएगी? हाँ, वो तो डिसीजन से होना है ना, जब इलाज हो जाएगा। नहीं, अप्रैल तक हो जाएगी। यदि फरवरी में चॉइस लेने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा तो मार्च में ही हो जाएगी फिर तो। जी सर, उसके बाद PVR वगैरह, PVR होता है वो तो लोकल का वही का होता है, हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो जाएगा तो भाई हम लोग आए तभी हुआ था, वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने सारी चीज़ सुन ली होगी, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। एक्चुअली देखो, ये जो मेरे से जुड़े उनको ये आइडिया मिल चुका है पहले ही, लेकिन जो नहीं जुड़े मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ कि उनको भी ये सारी डिटेल मिल चुकी है। इनका कहना था कि पूरी कोशिश की जा रही, क्योंकि हाल ही में कर्मचारी यूनियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर कर्मचारी यूनियन के भी द्वारा धरना दिया गया था, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था और कई सारे अभ्यर्थी वहाँ धरना दिए थे, शांतिपुर धरना दिए थे, योगी आदित्यनाथ मतलब मुख्यमंत्री दरबार में भी अपने ज्ञापन सौंपे थे। 2-3 बार ये प्रोसेस हो चुका है, तो थोड़ा सा दबाव भी है। ऊपर से लास्ट में आपने सुना होगा कि एक कर्मचारी मतलब इनको डिपार्टमेंट को भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी जल्दी की जाएगी। ठीक है, 95% आपके चांसेस कि 10 या 11 तारीख को ये साइट पे ओपन हो जाएगा। ग्रुप से जुड़े रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा चैनल से, तो आपको ये पूरी स्टेट अपडेट दे दी जाएगी। और एक चीज़ और है, पहले से आप 4 जिले सेलेक्ट करके रखिए जिसमें आपको सबसे पहले चॉइस चाहिए, ठीक है। और जिस जो वरीयता क्रम आप देंगे उसी के अनुसार होगा, वो आने पे वो भी जो टर्म कंडीशन होगी मैं बता दूंगा। तो ये थे इसके लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए डिटेल के लिए। अब देख लेते हैं वीडियो डीबी के लिए। फ्रेंड, जो UP SSC की प्रगति रिपोर्ट आई है उसके लिए ये तो सारे ग्रुप में मैंने डाल दिया ऑलरेडी, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितनी भी ये आपकी पेंडिंग थी सिर्फ इन्होंने कुछ भी नया नहीं किया, सारे डिटेल्स को 1-1 महीने आगे करके बढ़ा दिया, तो कुछ खास नहीं है। लेकिन वीडियो डीबी के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ इनके अनुसार क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कॉलम नंबर 14 में देख सकते हैं, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी 2018, तो फरवरी माह में 2020 में अभिलेखा आदि की परीक्षण की संभावित तिथि है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कुछ भी पॉसिबल ना हो, लेकिन ये जरूर पॉसिबिलिटी है कि आपके फरवरी में, लास्ट फरवरी तक
इसकी डेट निश्चित की जा सकती है कि आपकी डीवी इस दिन होने वाली है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे को पर्सनली मैसेज करके ग्रुप में मैसेज किए हैं कि सर 6 तारीख को हम लोग को धरना देना है, तो देखिए आप शांतिपूर्ण धरना दे सकते हो, उससे आपका प्रेशर बन सकता है, ये काम जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए प्रगति रिपोर्ट हर माह टलते जा रही है, तो आप शांतिपूर्ण धरना देना चाह रहे हैं तो आप जरूर दीजिए, लेकिन चांसेस है कि इस बार फरवरी के लास्ट तक आपकी डेट निश्चित कर दी जाएगी वीडियो डीवी के लिए। दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये यूपीपीएससी आपके लोक सेवा आयोग द्वारा जो एपीओ की एग्जाम डेट निश्चित की गई है, तो ये है आपका जो 16 फरवरी निश्चित की गई है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं 9:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रदेश के 2 जनपद प्रयागराज और लखनऊ, केवल 2 ही जगह होगी ये पे, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो मैंने बोला था कि टर्म कंडीशन क्या है, टर्म कंडीशन ये है, जैसे दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको जो हेल्प चाहिए होता है, अतिरिक्त समय लेना होता है, इसमें सेरेब्रल पैल्सी दिव्यांगता, लोकोमीटर अपर लिंब दिव्यांगता, जो हाथ से 40% उससे अधिक की दिव्यांगता है, लिख वगैरह नहीं पाते, आँख की दिव्यांगता है 60% अधिक होने पे, तो उनको जो पेपर में प्रेस विज्ञप्ति में संलग्न प्रारूप था उसको पूरा भर के तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति, स्क्राइब राइटर के इंटर प्रमाण पत्र एवं आईडी प्रूफ के को आयोग में दिनांक 10 फरवरी को अपराह्न 5 बजे तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो ये थे इनके लिए जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है ये इनको दिया गया है। तो ये आपकी 16 फरवरी को डेट निश्चित कर दी गई है। फ्रेंड्स यहाँ से आप कॉलम नंबर 21 देखिए, कनिष्ठ सहायक जो प्रतियोगी प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 अभी हाल ही में हुई है, ठीक है। तो मार्च 2020 में जिनका टंकण परीक्षण होना मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए जो अभ्यर्थी अर् पाए जाएंगे, हालांकि आप लोगों ने अपना आंसर की वगैरह मिला ली होगी, उनका रिजल्ट आना संभावित है। तो ये थी पूरी अपडेट, और ये अगर PDF चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप 4 ग्रुप बने हैं, एक ग्रुप में कुछ बच्चे बस शेष हैं, तो उसके ये मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। देखिए आप सबकी तरफ से ट्यूबवेल ऑपरेटर की स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी मेहनत की जा रही है और लगातार आप इस मेहनत को जारी रखिए, तभी आपको निश्चित तौर पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहीं वीडियो को क्लोज करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।